दोस्तों नमस्कार। जैसा कि बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं उनसे जो उन्हें पंजाब का शहरी विकास मंत्री पद जो दिया गया था वो छीन लिया गया है, और ये मतभेद कैप्टन और सिद्धू के बहुत दिनों से चल रहे हैं। और जिस तरीके से लोकसभा में जो उतार चढ़ाव की जो वकालत हुई और जिस तरीके से पंजाब के अंदर कांग्रेस को मात्र 8 सीटें मिली, उसका सीधा सीधा कैप्टन अमरिंदर ने ठहराया है सिद्धू के ऊपर। अगर वो पाकिस्तान में सेना प्रमुख बाजवा के गले ना लगते तो कांग्रेस की सीटें और ज़्यादा हो जाती। पाकिस्तान की जो बातें की और पाकिस्तान के फेवर में इन्होंने जितनी भी बातें की उससे पंजाब में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कांग्रेस को। तो अमरिंदर सिंह कहते हैं कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं इस जो सिद्धू के नुकसान की बातें हैं मैं हाई कमान के सामने उठाऊंगा, और पंजाब के अंदर वो सबसे बड़ी हार नवजोत सिंह सिद्धू की वजह से हुई है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो अमरिंदर सिंह हैं वो कहीं ना कहीं उनके जो व्यवहार से और उनके कार्यशैली से लगता है कि वो राष्ट्र प्रेमी हैं। शहरी विकास मंत्री का जो पद था वो छीन कर इनको ऊर्जा मंत्रालय का जिम्मा दे दिया है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि सिद्धू ऊर्जा मंत्रालय को किस तरह से निभाते हैं और पंजाब की जो स्थिति है उसको कैसे सुधारते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राष्ट्र प्रेम दिखाते हुए इनके ऊपर सीधा सीधा आरोप जड़ दिया है कि अगर ये पाकिस्तान जाकर के आर्मी चीफ बाजवा से अगर नहीं मिले होते तो हो सकता है कि हमारी जो लोकसभा में 8 सीटें आई हैं तो वो कहीं ना कहीं बढ़ कर के कुछ ज़्यादा भी हो सकती थी। सिद्धू की खुली बगावत, ये कैप्टन अमरिंदर ने ये एक बैठक बुलाई थी, बैठक में ये पहुँचे नहीं थे तो कैप्टन ने इन पर निशाना साधते हुए इनसे जो मंत्रालय दिया गया था शहरी विकास मंत्रालय वो छीन लिया है।